आप सभी लोग वेलकम बैक। आप लोग कैसे हो? जल्दी से चैट में यार अपना हाल चाल बताओ। उम्मीद आप सभी लोग बढ़िया होंगे और फुल मौज में होंगे। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा बहुत बिजी चल रहा हूँ। 20 मिलियन का सरप्राइज है ना, जो उसको लेकर थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ जब आए ना तो आप एकदम मतलब खुश हो जाओ। उसमें ऐसा नहीं है, बस एक वो सरप्राइज है जिससे मेरे को एक खुशी मिलेगी। बस एक वो है कि उससे आपको कुछ फायदा है, इतना मैं बता सकता हूँ। उससे फायदे वाला पॉइंट याद रखना, वो मेन सरप्राइज सारा फायदे के लिए है। मतलब मैं चाहूँ तो अभी रिवील कर दूँ, पूरा रेडी पड़ा है। मतलब कुछ अलग ही टाइप का सरप्राइज है वो। मैं कह रहा हूँ ना, माइनक्राफ्ट है बट माइनक्राफ्ट के लिए उतना नहीं है, माइनक्राफ्ट से बाहर निकल के वो ज्यादा सरप्राइज है। बाकी सरप्राइज की मैं एग्जैक्ट डेट नहीं देने वाला। कह रहा था कि मैं किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट डेट दे देता हूँ कि भाई इस दिन आने वाले, पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और फिर वो आ नहीं पाती। मैं एग्जैक्ट डेट नहीं देने वाला, जब वो आएगा तो आपको पता चल जाएगा वो क्यों लेट हो रहा था, ठीक है? क्योंकि मैं उसमें ना वो चीज़ ऐड कर रहा हूँ। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले ये था कि सरप्राइज आ जाएगा आप देख लेना। बट मैंने सोचा कि अभी इतना लेट हो गया, इतना सब टाइम ख़राब हो गया, आप लोगों ने भी इतना इंतज़ार करा, तो आपको पता चलना चाहिए कि क्यों आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा। तो थोड़ा सा और वेट करो, जितना वेट करेंगे उतना मजा आएगा। ऐसे मैं गाइस देखो, ऐसा मत सोचना कि मैं जानबूझ के आपको वेट करा रहा हूँ 20 मिलियन सरप्राइज के लिए। मुझे नहीं अच्छा लगता कि भाई आप हमेशा ऐसे लिखते रहो, वेट करते रहो, ऐसा नहीं है। एक रीज़न है उसके पीछे और वो जब आएगा तो वो रीज़न आपको पता चल जाएगा और आपको समझ आ जाएगा हाँ क्यों नहीं हो रहा था रिवील। ओके भाई।